नमस्कार, मैं अनामिका झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AKS यूनिवर्सिटी, सतना। एग्रीकल्चर से संबंधित जो कोर्सेज संचालित हैं अभी AKS यूनिवर्सिटी के अंदर, वो हैं BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc एग्रोनॉमी, BTech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और एक इंटीग्रेटेड कोर्स BTech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग प्लस MBA। सबसे पहले BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स की बात करें, ये 4 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। इस कोर्स को डिफाइन अगर करें, इसे परिभाषित करें, तो 3 शब्दों में किया जाता है, प्रोडक्शन, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। जनरली जो हम कोर्सेज के बारे में सुनते हैं वो है BSc एग्रीकल्चर। हमारे आसपास की यूनिवर्सिटीज़ जो डिग्री देती है वो BSc एग्रीकल्चर में देती है। AKS यूनिवर्सिटी जो डिग्री दे रही है वो BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री दे रही है, जिसमें सेकेंड ईयर के बाद विद्यार्थी अपना स्पेशलाइजेशन चुन लेते हैं, जैसे प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉयल साइंस, एंटोमोलॉजी। जॉब स्कोप्स की बात करें, बहुत ज़्यादा जॉब स्कोप्स है। हर साल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए हज़ारों की तादाद में वैकेंसीज निकलती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई सारे पोस्ट निकलते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, हर राज्य की राजधानी में नेशनल सीड कॉरपोरेशन है और हर साल वहाँ काफ़ी हर महीने वैकेंसीज निकलती हैं टीम मेंबर के लिए या टीम लीडर के लिए, मैनेजर्स के लिए। इसके गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आती हैं, जैसे हम सुनते हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये हर राज्य की राजधानी में नेशनल सीड कॉरपोरेशन वैकेंसीज निकालेंगी अगर, तो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैकेंसीज निकलती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, जैसे हमारे संभाग में हम सुनते हैं आत्मा की वैकेंसीज निकलती है, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये पोस्ट निकलते हैं टीम लीडर के लिए, टीम मेंबर के लिए। बहुत से जॉब स्कोप्स हैं जहाँ BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की ही ज़रूरत है और 100% यही स्टूडेंट सूटेबल होते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चरल इनपुट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे सीड्स की कंपनी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये ऐसी कंपनीज हैं जहाँ BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है हर सेक्शन में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन हो, प्रोडक्शन सेक्शन हो, R&D सेक्शन हो या मार्केटिंग सेक्शन हो। अब हम आते हैं BTech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी पढ़ाई है जो एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के लिए है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए है। 4 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। इनके जो जॉब स्कोप्स हैं, एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर की ज़रूरत अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज़ में है, जैसे एग्रीकल्चरल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मतलब वो इंडस्ट्रीज़ जो ट्रैक्टर बनाती हैं, फार्म इम्प्लीमेंट्स बनाती है, वहाँ एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर की ज़रूरत है। नंबर 2, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो हम ये सुनते हैं डाबर, नेस्ले, जो पैक्ड फूड देती हैं या प्रोसेस्ड फूड बेचती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में एग्रीकल्चरल इंजीनियर की ही ज़रूरत है। नंबर 3, इरीगेशन मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ स्प्रिंकलर इरीगेशन जो लैंडस्केप के लिए यूज़ होते हैं, ड्रिप इरीगेशन, जहाँ पानी के संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए ड्रिप इरीगेशन को यूज़ करते हैं, ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, इसमें कई सेक्शंस है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट इन हर एक इंडस्ट्रीज़ में एग्रीकल्चरल इंजीनियर चाहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे इंजीनियर्स की ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़रूरत होती है, टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की ज़रूरत होती है, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स निकलते हैं, वहाँ भी एग्रीकल्चरल इंजीनियर के लिए बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जहाँ एग्रीकल्चरल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर ही जानता है कि क्या आजकल के एग्रीकल्चरल सिनेरियो हैं और किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स है मेरे हिसाब से, वो है इंटीग्रेटेड कोर्स BTech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग प्लस MBA, जिसका मतलब है ये 5 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। इसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब 5 साल बाद जो ये विद्यार्थी इस कोर्स को कंप्लीट करके बाहर निकलेगा, तो वो एक टेक्नोलॉजिकली साउंड पर्सन होगा, साथ ही साथ वो एक मैनेजर होगा, उसके अंदर मैनेजेरियल स्किल्स होंगे,
यही एक ये विद्यार्थी ऑलराउंडर होंगे और इन्हीं की तो जरूरत है आजकल की इंडस्ट्रीज को। AKS यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो कोर्सेज चल रहे हैं, इन सब के जो सिलेबस डिजाइन किए गए वो 3 मापदंडों के हिसाब से बनाए गए हैं। पहला, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के गाइडलाइंस के बेसिस पे। दूसरा, जो नई तकनीकियां आ रही हैं उनको इनमें शामिल किया गया है। और तीसरी बहुत ज़रूरी बात कि आजकल किसान की क्या समस्या है और उन्हें क्या क्या फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं, उनकी अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इन सबको रखते नज़र के सामने रखते हुए सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ जितने भी लैब्स हैं, वेल फैसिलिटेटेड लैब्स हैं, फार्म लैंड्स दिए गए हैं जहाँ स्टूडेंट्स खुद बीज लगाने से लेकर के पौधे की फसल की कटाई तक खुद अपने हाथों से प्रैक्टिकल करते हैं अपने टीचर के गाइडेंस में। यहाँ फैकल्टीज़ की बात करें तो नामी गिनामी इंस्टीट्यूट जैसे IIT से हैं, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ से हैं यहाँ पे फैकल्टीज़। इतना ही नहीं, देश विदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती हैं स्टूडेंट्स को। और इन्हीं कोशिशों के तहत एग्रीटेक मध्य प्रदेश का 2014 का आयोजन किया गया था फरवरी में, जहां हमारे कृषि मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ऐसा किसान गोष्ठी था जहां एग्रीकल्चरल इनपुट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डीलर, एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज़ इंडस्ट्रीज़ के डीलर्स आए हुए थे, बड़े छोटे किसान आए हुए थे। यहां विद्यार्थियों को मौका मिला डीलर्स से, मतलब इंडस्ट्री से डायरेक्टली रूबरू होने का, किसानों से मुलाकात करने का और उन्हें इन 3 चीज़ों के बीच में संबंध बिठाने का मौका मिला, जो वो पढ़ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में अभी चल रहा है और किसानों की क्या ज़रूरत है। प्रेजेंट एग्रीकल्चरल सिनेरियो को हमारे विद्यार्थियों ने समझा और यही AKS यूनिवर्सिटी की कोशिश है और हमेशा जारी रहेगी।